अभयं सत्तव संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वं मार्दवं हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुच संपदं दैवी अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रेणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्य
सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर नैश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्ध्यः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्ययेनार्थ संचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौमया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़यो अभिजन्मानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्त
चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृतः, प्रसक्तः काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं।